नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आप अपना हौसला बनाए रखिए और वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल सके। बताना मेरा काम, बाकी आपकी मर्जी। आइए शुरू करते हैं। मैंने खिलजी वंश खत्म कर दिया था, उसके आगे आज हम शुरू करने वाले हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। मैंने बताया था कि उसने खुसरो खां को उसके महल में जा करके उसका गला काट देता है और कहते हैं कि अमीर वर्ग उसको अपना उसका हाथ पकड़ के लेकर के आते हैं और कहते हैं कि आप आइए सुल्तान बनिए। ये पहला ऐसा शासक था जो निर्विरोध सुल्तान बन गया था, जिसका कोई प्रतिद्वंदी था ही नहीं। तो ये जब शासक बनता है तो इसके सामने कई चुनौतियाँ भी होती हैं। तो आइए मैं कुछ थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको बता दूँ। तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, और कहते हैं इसकी जो माँ थी वो हिंदू थी और जो इसके पिता थे वो मुस्लिम थे, तुर्क थे। इसकी गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम जो था वो गाजी मलिक था। इसकी उपाधि जो थी वो गाजी की थी। गाजी का मतलब होता है काफिरों के लिए घातक, अर्थात जो दूसरे धर्म के लोग हैं जो काफिर हैं उनके लिए क्या है, घातक है। तो ये याद रखेगा। इसने आकर के जब अपना सिंहासन ग्रहण करता है तो ये कहता है कि मैं अलाउद्दीन की कृपा के कारण मैंने यह पद प्राप्त किया है जहाँ तुम मुझे देख रहे हो, अर्थात जो दरबार में जो लोग बैठे थे उनसे कहता है कि मैंने जो यह पद प्राप्त किया है, मैंने अलाउद्दीन की कृपा से मैंने यह पद प्राप्त किया जहाँ पर आप लोग मुझे देख रहे हैं। अर्थात ये अपनी वफादारी अलाउद्दीन खिलजी के प्रति निभाता है और कहता है कि जो उसके आगे जो उसकी औलादें वगैरह थी जो क्या कर रही थी, उसके जो साम्राज्य था उसका विघटन कर रही थी। विघटन करने की वजह से क्या हो रहा था, पूरे साम्राज्य तहस नहस हो गया था। और वो कहता है कि अलाउद्दीन भी यही चाह रहे होंगे कि मैं ही यहाँ पर शासक बनूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, उस सत्ता को पुनः उसकी स्थापना करनी है जो मुबारक शाह खिलजी खुसरो खां जैसे शासकों ने क्या कर दिया था, उसका पूरी तरीके से पतन कर दिया था। तो उसके बाद में कौन आ जाता है, गयासुद्दीन तुगलक शासक बनता है। इसके सामने समस्याएं थी। जब ये शासक बनता है तो इसके सामने कई समस्याएं होती थी, जैसे सत्ता का एकीकरण, छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो जा रहे थे, सुल्तान की गरिमा की पुनः स्थापना और आर्थिक स्थिति से कमजोर साम्राज्य। जब किसी बड़ी शक्ति का अंत होता है तो उसकी कमी क्या होती है, खलती है। कमी कह सकते हैं कि जो उसकी कमी होती है वो आसपास उसकी कमी महसूस की जा सकती है। उस कमी को भरने के लिए कई छोटे छोटे शासक आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और वो उस सत्ता को प्राप्त करने की वजह से जंग छिड़ जाती है। इस वजह से क्या होता है, आप देखे होंगे जब भी कोई सफल शासक का अंत होता है तो उसकी जो शक्ति होती है उसको प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे शासक अपने आप का क्या करते हैं, साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो जाता है और छोटे छोटे शासक जो हैं अपने आप को ही स्वयं उस पद के अनुरूप समझने लग जाते हैं कि मैं ही अलाउद्दीन खिलजी हूँ। ऐसे इस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे उसकी सत्ता का विघटन होना शुरू हो जाता है और कई जंगें लड़ी जाती हैं। तो ये इतिहास का रहा है। वर्तमान में भी आप देखेंगे कई ऐसे शासक हैं, आप वर्तमान में भी संदर्भ में आप देख लीजिए, जैसे इराक में आप ले लीजिए, इराक में आप देखेंगे जैसे सद्दाम हुसैन की हत्या के बाद जो एक तानाशाह, क्रूर तानाशाह था, उसकी हत्या के बाद आप देखेंगे कि वहाँ की जो सत्ता थी वो बिल्कुल उसका खालीपन लोग वहाँ के जो लोग थे उनमें महसूस हो रहा था। इसीलिए आप देखेंगे उनके आगे चल करके आईएस जैसे गुट उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिसके भयावह परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आज की परिकल्पना है, पहले से भी ऐसा चलता चला आ रहा है। तो वही आप देखेंगे, वही समस्याओं में है सत्ता का एकीकरण। जब ये शासक बनता है तो उसके सामने कई चुनौतियाँ होती, क्योंकि मुबारक शाह खिलजी हो और चाहे आगे चल करके खुसरो खां हो, पूरी तरीके से उस सत्ता का दुरुपयोग करके उसको छीड़ कर चुके थे। अर्थात जो सत्ता थी वो धीरे धीरे क्या होती, उसका अंत हो चुका था। और सुल्तान की गरिमा की पुनः स्थापना, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो मुबारक शाह खिलजी चाहे खुसरो खां, इनकी सत्ता में कुछ खास दिलचस्पी थी नहीं। ये इस वजह से क्या थी, सुल्तान की गरिमा जो थी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और आर्थिक स्थिति में कमजोर साम्राज्य। क्योंकि आर्थिक स्थिति के तौर पर आप देखेंगे तो इन लोगों ने क्या किया था, लगान की वसूली आप देखेंगे तो कुछ खास तरीके से कर नहीं पाए थे। आप देखेंगे जो बाजार नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन ने बहुत सी योजनाएं वगैरह चलाई, लेकिन उनका क्या हो गया, आगे चल करके आप देखेंगे तो उनका दोहन हो गया, क्योंकि जो उसके आगे के शासक थे उसको सही ढंग से लागू नहीं कर पाए और कई योजनाओं को ख़त्म भी कर दिया था, इसलिए आर्थिक स्थिति से साम्राज्य कमज़ोर हो गया था। खैर, इन सभी को वो सुल्तान की गरिमा कोई बनाता है, सत्ता का एकीकरण भी करता है, सत्ता के एकीकरण के लिए कई विजयें भी करेगा और आगे चल करके आप देखेंगे आर्थिक स्थिति भी सुधारने की कोशिश करता है और सब तरह वो सफल भी होता है। अब हम आएंगे सैन्य अभियान की तरफ। मैंने एक मैप बनाया है, मैप में मैंने जितने भी इसके प्रमुख सैन्य अभियान हैं उनको मैंने मैप में डिनोट कर दिया है, आप उनको देखिए ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। तो मैप बनाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। भारत का मैप एक बिना देखे बना के एक ब्लैंक मैप बनाइए, उसके बाद जैसे जैसे मैंने उसको में भरा हुआ है उसको आप वैसे वैसे बना लीजिएगा, जगहों को डिनोट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसकी जो विजय होती है
वो होती है होता तेलंगाना अभियान। इसका पुत्र है जूना खां जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खां के साथ में आप देखेंगे तो ये जूना खां के कहता है कि आप जाइए तेलंगाना की विजय कीजिए। उस समय वहाँ का शासक जो है वो राय रुद्र प्रताप देव है, उसको ये पराजित करते हैं तेलंगाना में और तेलंगाना का नाम परिवर्तित करके सुल्तानपुर रख दिया जाता है। तो तेलंगाना का परिवर्तित नाम क्या रख दिया जाता है? सुल्तानपुर रख दिया जाता है। तो याद रखिएगा सुल्तानपुर तेलंगाना का ही नाम है। और जूना खां इस पूरी विजय को जीत लेता है। कहते हैं कि इसको लेकर के शासक के पास आया जाता है। खैर ज़्यादा स्टोरी जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि शासक जो था वो राय रुद्र प्रताप देव था। फिर जाजनगर उड़ीसा में कहते हैं कि जब तेलंगाना अभियान के दौरान जब मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां था उसका सहयोग जो है वो नहीं देते हैं और जो यहाँ के जाजनगर जो शासक हैं भानुदेव द्वितीय ये राय रुद्र प्रताप को उसका सहयोग करते हैं। ये जाजनगर उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है। तो इस पे शासक को क्या करते हैं? हरा देता है। ये राजमुंद्री अभिलेख से इसकी विजय की क्या होती है? पुष्टि होती है। किस अभिलेख से? राजमुंद्री अभिलेख से इसकी पुष्टि की जाती है। और जूना खां जो था इसी राजमुंद्री अभिलेख में जूना खां को दुनिया का खान कहा गया। दुनिया का खान किस अभिलेख में जूना खां को कहा गया है? तो राजमुंद्री अभिलेख में कहा गया है। तो याद रखिएगा राजमुंद्री अभिलेख जूना खां। नेक्स्ट आते हैं बंगाल अभियान। बंगाल अभियान में आप देखेंगे तो बंगाल अभियान में जो शासक थे यहाँ के जो दो शासक गयासुद्दीन बहादुर और नासिरुद्दीन अर्थात इनके 5-6 भाई थे आपस में संघर्ष कर रहे थे सबको पराजित करके के जो गयासुद्दीन बहादुर है वो शासक बन जाता है। और लेकिन ये बात नासिरुद्दीन को कुछ हजम नहीं होती है और वो किसे मदद मांगता है? वो मांगता है मदद गयासुद्दीन तुगलक से। वो कहता है कि आप मुझे मदद कीजिए, मैं अगर सत्ता प्राप्त करूँगा तो मैं आपका वफादार हमेशा बना रहूँगा। तो ये बंगाल अभियान के लिए सुअवसर मानता है क्योंकि बंगाल की भी सत्ता जो थी वो दिल्ली सल्तनत से जा चुकी थी, इसलिए वो सुल्तान जो है उसको पुनः प्राप्ति के लिए नासिरुद्दीन का साथ देता है। और जब ये हमला करता है तो गयासुद्दीन बहादुर जो है वो भाग के चले जाते हैं और एक दलदल में फंस जाते हैं जहाँ इनको बंदी बना करके मार दिया जाता है और शासक जो है वो बना दिया जाता है नासिरुद्दीन को। जैसे मैंने बताया गयासुद्दीन बहादुर वर्सेस नासिरुद्दीन, तुगलक से सहायता मांगी और तुगलकों ने क्या किया? गयासुद्दीन को पराजित किया और शासक जो है नासिरुद्दीन को बना दिया गया। वापस लौटते वक्त तिरहुत है, मिथिला का क्षेत्र तिरहुत, तो वहाँ पे क्या है आप देखेंगे तो 1324-25 के आसपास में वहाँ पे आक्रमण करता है तिरहुत में लौटते वक्त। तो तिरहुत का जो शासक है हरि सिंह देव जो है भाग कर नेपाल चला जाता है और वहाँ बाद में वहाँ का शासक किसको बना दिया जाता है? अहमद खां को यहाँ का बना दिया। देखिए मिथिला है ये, आप देखिए मिथिला का आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। मिथिला मतलब जहाँ मैथिली भाषा बोली जाती थी मिथिला, देखेंगे आप 16 महाजनपदों में भी इसका नाम आपको देखने को मिलेगा। तो मिथिला ये आप देखेंगे कटिहार पूर्णिया अररिया ये आप देखेंगे तो बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में पड़ता है। ये बंगाल है, इधर जाजनगर, इधर तेलंगाना है। मिथिला की विजय के पश्चात जब ये दिल्ली की ओर रुख करता है तो अभी मैं आपको बताऊंगा स्टोरी निजामुद्दीन औलिया की। कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया से इसकी मनमुटाव चल रहा था क्योंकि जो पहले के जो शासक जो खुसरो खां था उसने निजामुद्दीन औलिया को बहुत से पैसे वगैरह दिए थे। तो जब ये गयासुद्दीन तुगलक शासक बनता है और तो निजामुद्दीन औलिया से कहता है अपना पैसा वापस कर दीजिए, तो पैसा वापस करने की बात कहता है तो निजामुद्दीन औलिया कह देते हैं कि हमने पैसा जो है वो जनता में बंटवा दिया है तो मेरे पास कुछ पैसा बचा नहीं है। तो जब ये बात कहते हैं तो ये शासक जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और मिथिला से अभियान करने के बाद जब ये दिल्ली की ओर रुख करता है तो उसे कहता है निजामुद्दीन औलिया से कि जब तक मैं दिल्ली पहुँचूँ आप दिल्ली को छोड़ करके चले जाइएगा। तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं उन्होंने दिल्ली दूर रास्ते अर्थात दिल्ली अभी बहुत दूर है तो रास्ते में उसके स्वागत के लिए दिल्ली के से करीब 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर जगह है जहाँ पे इसके भव्य स्वागत के लिए लकड़ी के महल बनाया जाता है और वहाँ पे विश्राम करता है। जो लकड़ी का महल जो था वो बनवाया था किसने? जूना खां ने अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जिसको बनाया था इसको बनाया था अहमद याज ने, निर्माण करता इस महल के जो थे अहमद याज ने। वहाँ पे एक शाम के समय आप देखेंगे तो वहाँ पे हाथियों की एक परेड टाइप की रखी गई थी जहाँ पे हाथी अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो उसी में क्या होता है महल जो था वो भड़बड़ा के गिर पड़ता है। गिरने के बाद वहीं पर क्या होते हैं ये मर जाते हैं अर्थात गयासुद्दीन तुगलक उसी महल में दब के मर जाता है। रहेला आप देखेंगे इब्न बतूता कहता है कि इसका दोषी जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसी ने क्या किया था इसकी षड्यंत्र रूप से इस महल का निर्माण किया था और उसकी हत्या कर दी थी क्योंकि 6 किलोमीटर दूर उसका भव्य स्वागत की क्या आवश्यकता थी जबकि जो दिल्ली 6 किलोमीटर दूर ही थी तो चाहता तो दिल्ली भी आ सकता था लेकिन उसके लिए एक महल अलग से बनवाया गया। लेकिन बर्नी इस बात से असहमत है, वो कहते हैं कि बिजली गिर गई थी, बिजली गिरने की वजह से ही वो महल जो था वो नष्ट हो गया। क्या था मुझे नहीं
ना मुझे पता है ना आपको पता है, जो इतिहास के दोनों पहलुओं में आपको बता दूँ, जिम्मेदार इब्न बतूता MBT को मानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को, बर्नी जो है बिजली गिरना बताते हैं। तो दोनों पहलू मैंने बता दिया, आप सत्य क्या है मैं नहीं जानता ना आप जानते हैं, तो याद रखिएगा। क्योंकि कहते हैं कि जो निर्माणकर्ता अहमद याज थे, बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनेगा तो इनको काफ़ी ऊँचे पद पर दे देता है। यहीं से क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं इनके महत्वपूर्ण कार्यों को भी देख लेते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कार्य किए थे महत्वपूर्ण। इसने नहरों का निर्माण किया था, तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने नहरों का निर्माण किया था तो गयासुद्दीन तुगलक था। लेकिन आगे चल कर आप देखेंगे तो नहरों का जाल जो है फिरोज शाह तुगलक बनाता है, याद रखिएगा। डाक प्रणाली को व्यवस्थित किया, याद रखिएगा डाक प्रणाली को व्यवस्थित किया। सरकारी धन को वापस लिया, अभी मैंने बताया था बहुत से जो धन पिछले के शासक बांट दिए थे, जमीन वगैरह दे दिए, एकता वगैरह बांटते, सबको वापस ले लेता। उसी क्रम में से निजामुद्दीन औलिया से भी धन की वापसी की मांग की थी। लगान वसूली की मध्यम वर्गीय नीति, अर्थात जो कठोर और जो सरल दोनों की मध्यम मार्गी नीति का अपनाया। और इसका कहना था, जिसको बोला गया रस्म मियान, ये इब्न बतूता कहता है, याद रखिएगा, रस्म मियान ये मध्यम वर्गीय नीति लगान वसूल की। इसका कहना था कि आप एकदम से लगान ना बढ़ाइए, धीरे धीरे लगान बढ़ाइए, और लगान कि दर बढ़ाने से अच्छा है कि जो कृषिगत भूमि है उसका विस्तार किया जाए। तो ये नीति इसकी थी, इसको रस्म मियान कहा गया, लगान वसूली की मध्यम वर्गीय नीति थी। निर्धनों की सहायता का आयोजन किया, विवाह व्यवस्था में जीवन यापन का प्रबंधन करने के लिए इसने प्रयास किए थे। तुगलकाबाद शहर की स्थापना की, आप देखेंगे तुगलकाबाद दिल्ली के पास में इसने बनवाया और शहर की स्थापना की, और इसी में इसका मकबरा स्थित है जो पंचभुजी है, याद रखिएगा, पंचभुजी मकबरा इसी का है। ठेकेदारी प्रथा को भी इसने बंद कर दिया था। तो फिलहाल अब इसके आगे जो शासक आएगा वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो जाए। और याद रखिएगा, तुगलक वंश के जो हैं ये दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाला ये वंश रहा है, तुगलक वंश। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद।